चलिए बच्चे शुरू करते हैं रिपोर्टेड स्पीच या फिर डायरेक्ट इन डायरेक्ट। तो इससे शुरू करने से पहले एक सेंटेंस सुनिए जरा प्यार से कि राम ने श्याम से कहा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। समझ आ गई बात? अब यही बात मैं आप लोगों से कहता हूं, कैसे कहूंगा? राम ने श्याम से कहा कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब मैंने उसी की बातों को भाई अपने वर्डों में बदल के कह दिया, पर सेंटेंस का मतलब वही है कि नहीं है। तो अब जो पहली बात थी जिसमें मैंने राम के एग्जैक्ट वर्ड बताए थे कि राम ने श्याम से कहा मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा, ये है बेटा डायरेक्ट स्पीच। इसमें राम के एग्जैक्ट वर्ड हैं। अगर किसी की बात को एज इट इज़ कह देते हैं उसको अपन कहते हैं डायरेक्ट स्पीच की बात। लेकिन उसी को अगर आप अपने शब्दों में कन्वर्ट करके बताते हैं कि वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, तो ये हो जाता है बच्चा पार्टी इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को अपन और क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं, बाकी इनडायरेक्ट तो है ही इनडायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है, मेथड ऑफ कोटिंग समवन एग्जैक्ट वर्ड देन इट इज़ डायरेक्ट स्पीच। कि किसी की कही बातों को एज इट इज़ ही कह देना वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। वेयर एज पुटिंग इट इन योर ओन वर्ड, वहीं पर अगर आप उसे अपने शब्दों में रखकर कहते हैं बात को, तो वो कहलाएगी बेटा, क्या कहलाएगी वो, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब एक सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस क्या है, ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। उसने मुझसे कहा, क्या कहा, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब भाई तू उसने किसके लिए इस्तेमाल करा है यहाँ पर? अगर वो बात मुझसे कर रहा है तो तू उसने मेरे लिए तो इस्तेमाल करा है, तो मैं से अगर आपसे कहूँगा तो कैसे कहूँगा, उसने मुझसे कहा कि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, यही करूँगा। इसी हिंदी यही बनेगी, आपसे कन्वर्ट करने पे कहूँगा उसी को अपन इंग्लिश में लिख देंगे। कैसे, ही टोल्ड मी डैट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। अब जो बेटा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड है, ये क्या हो गई, डायरेक्ट स्पीच हो गई। और ये जो ही सेड इट टू मी है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, या आप इसे रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हो। रिपोर्टिंग स्पीच या फिर रिपोर्टिंग वर्ब, दोनों बातें ठीक है। ठीक है, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क समझ आ गया। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डायरेक्ट स्पीच। देखिए तीन पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। पहला क्या है, डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज एनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमा। कि जो भी बेटा कही गई बात होती है ना किसी की डायरेक्ट, उसको हम हमेशा कॉमा में ही क्लोज करके देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, दूसरी बात क्या है, फर्स्ट लेटर ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज कैपिटल। कि जो डायरेक्ट स्पीच का पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तीसरा पॉइंट है, डायरेक्ट स्पीच इज सेपरेटेड बाय द रेस्ट ऑफ सेंटेंस विद कॉमा। कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसको बाकी के सेंटेंस से अपन कॉमा से सेपरेट करते हैं। किससे, कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये हो गए तीन बातें डायरेक्ट के बारे में जानने वाली। अब चलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में कुछ पॉइंट्स, स्टेप वाइज चलेंगे, आप ध्यान से सुनते चलिएगा बस। पहला पॉइंट क्या है, नो इन्वर्टेड कॉमा आर यूज्ड। देखो बेटा जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं ना अपन, ये रही इनडायरेक्ट, तो इसमें अपन ने कोई इन्वर्टेड कॉमे का यूज नहीं करा है। दूसरा क्या है, नो कॉमा इज यूज टू सेपरेट सेंटेंस फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच। कि भाई हम कोई कॉमे का भी यूज़ नहीं करते, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा दोनों ही यूज़ में नहीं आते हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करते हैं। तीसरा क्या है, अ कंजंक्शन इफ नेसेसरी इज यूज टू जॉइन द रिपोर्टेड स्पीच विद रेस्ट ऑफ सेंटेंस। कि भैया जब हम बेटा ये जो डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट है ना, ये पूरा वाला सेंटेंस अगर इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह इसको हटाते हैं तो अपन एक कंजंक्शन यूज़ कर लेते हैं, कंजंक्शन जो कि दो क्लॉजेस को जोड़ें। तो वो क्या है भाई, जैसे अपन ने डेट का यूज़ कर लिया, या सेंटेंसेस को जोड़ें तो डेट का यूज़ कर लेते हैं अपन, इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, डेट लगा देते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, टेंसेस प्रोनाउंस पजेसिव एडजेक्टिव एंड वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम अंडर गो सर्टेन चेंजेस। कि जो भैया डायरेक्ट स्पीच में अपन ने बात करी, जो टेंस होता है या प्रोनाउन होते हैं या कोई बात वर्ड ऐसे होते हैं जो नियरनेस ऑफ टाइम बता रहे हो, तो बेटा वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय चेंज हो ही जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे यू था तो ये आई में चेंज हो गया है, यहाँ पे तो प्रोनाउन चेंज हुआ कि नहीं, तो इसलिए ये बातें चेंज होती हैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय। अब चलते हैं बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कन्वर्ट करने के रूल्स की तरफ। तो बच्चों पहला रूल है वो है रूल फॉर चेंजिंग टेंस। कि भाई अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर टेंस में क्या फ़र्क आता है। देखिए पहले आपको जानना एक जरूरी बात है, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, या आप डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं इसे, रिमेन्स अनचेंज्ड। कहने का मतलब क्या है, ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ है एक, इसमें अगर बेटा रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जो ये से ये है, अगर ये प्रेजेंट में है या ये फ्यूचर में है, तो फिर मेरा डायरेक्ट स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय। यानी कि अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ें तो क्या लिखा है, द टीचर सेज
सेज कैसी है, प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। तो अपन फिर बेटा ये जो डायरेक्ट स्पीच है, द एग्जामिनेशन विल बिगेन ऑन मंडे, इसको अगर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे भी तो कोई टेंस में चेंज नहीं आएगा। ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, द टीचर सेज, बस इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो डेट लगा देंगे, द एग्जामिनेशन विल बिगेन ऑन मंडे। ठीक है बच्चा पार्टी, इतनी बात होती है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन लेकिन अगर इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर मेरी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो बेटा सैड है, ठीक है, यानी कि सेज की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म है, तो फिर जो रिपोर्टेड स्पीच का या डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस होता है वो कुछ इस हिसाब से चेंज होता है। मान के चलो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि उसमें अगर डू है, डज है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फिर भैया वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी डिड में या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ठीक है बच्चा पार्टी, अगर दूसरी ओर क्या लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इनडायरेक्ट में करते समय वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी जो इज एम आर है वो किस में चेंज होंगे, वॉज ओवर में, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगी रहेगी। तीसरा पॉइंट, अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यानी हैज हैव लिखे हुए हैं तो वे चेंज हो जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी उन वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हैड में। ठीक है, चौथा पॉइंट है, अगर मेरी डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है तो फिर वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, यानी अगर उसमें हैज़ बीन या हैव बीन लिखा है तो वो मेरा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगा तो चेंज हो जाएगा हैड बीन में। ठीक है, ये तो हो गई प्रेजेंट टेंस की बात, अब कर लेते हैं पास्ट की बात। तो भैया अगर डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि अगर लिखा हुआ है डिड तो वो चेंज हो जाएगा हैड में, अगर वहाँ पर भाई टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस तो फिर वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी अगर डायरेक्ट स्पीच में वॉज वर्ब लिखा हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा हैड बीन में। लेकिन अगर वहाँ पर भाई डायरेक्ट स्पीच में लिखा है पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो फिर बेटा वो किसी टेंस में चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज़ ही रहते हैं। या फिर वहाँ पर अगर फ्यूचर टेंस भी लिखा हुआ है तो फिर वो भी किसी टेंस में चेंज नहीं होगा, ओनली जो उसका विल है बेटा वो वुड में चेंज हो जाएगा, बाकी सारी बातें सेम रहेंगी, चाहे वो विल भी लिखा हो, चाहे वो विल हैव लिखा हो, चाहे वो विल हैव बीन लिखा हो, उसमें सिर्फ विल ही वुड में चेंज होगा, बाकी सब चीज़ें सेम टू सेम ही रहती हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, शी सेड सुरेश नीड्स अ न्यू फॉर्म, उसने कहा कि सुरेश को नया फॉर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे चेंज इनडायरेक्ट में करते समय, शी लिखा, सेड लगाया, इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे तो डेट आ जाएगा, फिर सुरेश लिखा, अब नीड्स ऐसी बात है, नीड्स बेटा सिंपल प्रेजेंट की चीज़ है तो इसको अपन किस में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट में, नीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, नीडेड, तो अपन ने वही लिख दी यहाँ पर, सुरेश नीडेड अ न्यू फॉर्म, बाकी कॉपी कर दिया एज इट इज़, तो वर्ब चेंज हो गई भैया टेंस को देख कर अपने। दूसरा एग्जाम्पल देखें, सतीश सेड विवेक केम वेरी लेट, सतीश ने कहा विवेक बहुत लेट आता है, तो भाई सतीश ही लिखा, सेड लिखा, इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे तो बच्चा पार्टी डेट आना चाहिए या नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, डेट आ गया, फिर विवेक लिखा, अब केम लिखा हुआ है बेटा, केम ना कम की सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, अब पास्ट टेंस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, तो कैसे चेंज करेंगे भाई, क्या आएगा, हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वही हो गया, विवेक हैड कम वेरी लेट, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, ये वर्ब की फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले चीज़ पर, आपने बच्चा पार्टी टेंसेस का तो चेंज देख लिया, लेकिन अब आप मोडल का भी चेंज देख लें, मान के चलो आपकी जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें शैल लिखा हुआ है या कैन है या मे है या विल है, तो बेटा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय ये चेंज हो जाएंगे शुड, कुड, माइट और वुड में। ठीक है, हमेशा याद रखना, वहीं पर अगर मस्ट लिखा हुआ है तो आप उसको मस्ट भी कर छोड़ सकते हैं या उसका हैड टू भी कर सकते हैं इनडायरेक्ट में। ठीक है, अगर भैया डायरेक्ट में मेरा हैज टू या हैव टू लिखा है तो उसको बेटा चेंज हो जाएगा वो किस में, इनडायरेक्ट करते समय हैड टू में। ठीक है, ये होता है मोडल्स का चेंज। जैसे समझिए यहाँ पर सेंटेंस है, ही सेड इट मे रेन इन द इवनिंग, उसने कहा कि शायद आज शाम को बारिश हो, तो अपन चेंज कैसे करेंगे, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटे, डेट आ गया, इट लिखा, अब भैया मे किस में चेंज हो जाएगा बच्चा पार्टी, माइट में, फिर बाकी का कॉपी कर दिया एज इट इज रेन इन द इवनिंग, तो आपका मोडल वाला रूल भी फॉलो हो गया। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो मे के होने से अपने को क्या पता चल रहा था, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, और माइट के होने से पता चल रहा है ये पास्ट का है, तो यानी प्रेजेंट टू पास्ट का भी कन्वर्जन हो गया, यहाँ पर दोनों चीज़ें हो गई सिर्फ एक ही वर्ड बदलने से। ठीक है, अब बेटा आता है आपका अगला रूल जो कि है चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन सबसे इंपॉर्टेंट रूल भी है पूरे डायरेक्ट इन डायरेक्ट में। देखो, आपको प्रोनाउन पता है बेटा तीन टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन है, यानी कि उसमें लिखा हुआ है आई या फिर वी, तो बेटा वो चेंज होगी। अब चेंज कैसे होगी,
वो चेंज होती है जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी, रिपोर्टिंग वर्ब समझते हो ना, जो ये ही सेड वाली बात है, इतना सेंट क्लॉज जो है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होगी। इतना अभी सिर्फ समझो, एग्जाम्पल में बताता हूँ, ठीक है। और अगर वहीं पर जो प्रोनाउन है वो अपनी सेकंड पर्सन वाली है, या यानी कि आपका यू लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, तो बेटा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी आप समझ लो, एग्जाम्पल में पता चल जाएगा। अगर लेकिन वहाँ पर मेरा जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन का है, यानी वहाँ पर ही लिखा है, शी लिखा है, इट लिखा है, इट ऐड कर लो, या दे है, या नेम है कोई किसी का, तो बेटा वो कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहेगा। ओनली फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन चेंज होते हैं। अब प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, आप यहाँ पर देखें। जैसे एक सेंटेंस है, यू सेड आई हैव डन माई वर्क, तुमने कहा कि तुमने अपना काम कर लिया है। देखो वो कह रहा है ये बात, और वो आई भी लगा रहा है। आई का मतलब ये आई वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमने इसको इंडायरेक्ट में क्या बनाया कि यू सेड दैट यू हैड डन योर वर्क, तुमने कहा कि तुमने अपना काम कर लिया है, यही तो बात है, सेंटेंस यही है, ध्यान से देखो। अब इसमें चेंज हुआ तो हुआ कैसे? सबसे पहले यू आया, सैड आया, इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे तो डेट आएगा प्यारे बालक, बिल्कुल आएगा सर। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किस में चेंज करूंगा? बेटा किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ये रही मेरी रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच जिसे कहते हैं। अब भैया इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है यू, यानी आई मेरा यू से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे यू हो गया, हैव डन था यानी प्रेजेंट परफेक्ट, किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट यानी हैड डन हो गया। माय, माय का बेटा क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, क्योंकि देखो ये प्रोनाउन की टेबल देखो, यहाँ पे जितने भी आई के नीचे चीज़ें लिख रही हैं ये फर्स्ट पर्सन, जितने भी वी के नीचे हैं ये भी फर्स्ट पर्सन, जो यू के नीचे हैं वो सेकेंड पर्सन, जो ही शी दे के नीचे हैं वो थर्ड पर्सन की बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माय भी फर्स्ट पर्सन का ही प्रोनाउन था, तो उसको भी अपन ने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करा। अब यार यहाँ पे बेटा ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, मैं आपसे कह रहा हूँ आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है उसको। अब वो चीज़ है माय, माय को चेंज किसके अकॉर्डिंग करना है? यू के अकॉर्डिंग। तो यू में आपको देखना है कि माय के बराबर में क्या लिखा जाता है, माय के बराबर में लिखा जाता है योर, तो माय का क्या हो जाएगा यहाँ पे? योर हो जाएगा, और वर्क एज इट इज आ जाएगा। मान के चलो यहाँ पे बेटा माय की जगह, माय की जगह लिखा होता हिज, क्या लिखा होता? हिज। ये कैसा प्रोनाउन है? ये तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है हिज, क्योंकि ये किसके नीचे आ रहा है? ये तो ही के नीचे आ रहा है। तो फिर इसमें क्या होता, चेंज करते समय कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, यहाँ पे भी हिज का हिज ही रहता, अगर माय की जगह हिज लिखा होता तो। बाकी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन की बात है तो वो आप देख के चेंज करेंगे, जिसके सामने जो आएगा उसके उससे लिखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले रूल पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले रूल पर चलने से पहले बेटा जी एक एग्जांपल देखिए। ही सेड शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसने कहा कि वह फीवर से सफ़र कर रही है, यानी कि ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे डेट आएगा। अब शी कैसा है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो शी तो चेंज होगा नहीं सर, शी आ गया। इज सफरिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में चेंज होगा बेटे? पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज सफरिंग, फिर फ्रॉम फीवर उतार देंगे। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया प्रोनाउन का। अब चलते हैं अपन आगे के रूल पे, फिर आराम से प्रैक्टिस करेंगे। अब बच्चा पार्टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या? पांचवा रूल, इफ रिपोर्टेड स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि जो मेरी डायरेक्ट स्पीच है उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा हुआ है, देन देयर इज नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। के मतलब भैया जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे अपन। तो मतलब बेटा पार्टी बात ये कही गई है कि अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है डायरेक्ट स्पीच में, तो वो चेंज नहीं होगा उसका टेंस। जैसे मान के चलो लिखा हुआ है बेटा डायरेक्ट अपनी डायरेक्ट स्पीच में, द सन रिवॉल्व्स अराउंड, या सन नहीं यहां लिखो मून, रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, ठीक है, मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, सही बात है ना ये। अब ये बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें जो रिवॉल्व्स है उसका अपन रिवॉल्व नहीं करेंगे, वहां पर वो सिंपल प्रेजेंट है तो उसी में रहने देंगे, टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, ये मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। अब देखो छठा रूल बहुत बढ़िया है, क्या? वर्ड डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन आर चेंज्ड एज फॉलो, कि भैया जो वर्ड हमारे टाइम के बारे में या पोजीशन के बारे में कुछ बताते हैं वो डायरेक्ट स्पीच में लिखे हुए हैं, तो उनको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय वो भी चेंज होते हैं। कैसे? मान के चलो डायरेक्ट स्पीच में लिखा है कहीं दिस, तो वो हो जाएगा डेट में चेंज, दीज है तो दोस्त, नाउ है तो देन, हेयर है तो देयर, अगो है तो बिफोर, Tonight है तो that night, yesterday है तो the day before, tomorrow है तो the next day, the following day, last night है तो the previous night, last week है तो the previous week, और अगर
नेक्स्ट वीक है तो फॉलोइंग वीक हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी। अब इसमें अगला क्या है, अगला है सातवां। ये रूल आपको याद करना है ना, ये वर्ड याद कर लेने आराम से, ठीक है। सातवां रूल क्या है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर। बेटा फिर से वही बात रिपीट हो रही है यहाँ पर, क्या कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो डायरेक्ट स्पीच का तो टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन एक चीज चेंज होती है, क्या आपको मैंने पहले बताया था कि सिर्फ सेज लिखा हुआ है। अगर आप मेरे एग्जांपल में देखेंगे, यहाँ पर टीचर वाला जो था एग्जांपल, उसमें क्या दिखाया था कि सिर्फ टीचर सेज है, तो यहाँ पर सेज दैट आ गया था सिर्फ, बाकी सब टेंस एंड सेम था। लेकिन अगर यहाँ पर बच्चा पार्टी लिखा है क्या, सेज टू मी, रवि सेज टू मी इन्वर्टेड कॉमा में ही इज माई फ्रेंड, तो अपन सेज टू को चेंज कर देते हैं टेल्स में। किस में चेंज कर देते हैं, टेल्स में चेंज कर देते हैं, मी लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के डेट लिख देंगे। देखो टेंस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन प्रोनाउन तो चेंज हो सकते हैं सर, प्रोनाउन में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसमें तो कोई चेंज नहीं बनेगा, इज का इजी रहेगा, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रवि यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब रवि ही है बेटा, एक तरीके से देखा जाए तो ये ही तो है। अब आप देख लीजिए अपनी फैमिली टेबल में कि माई में बेटा, माई में ही के बराबर में क्या आ रहा है, हिज आ रहा है सर, हिज आ रहा है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हिज में मेरा चेंज हो गया, ही इज हिज फ्रेंड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर बेटा ये फ्यूचर में होती, रवि विल से टू मी इन्वर्टेड कॉमा में ही इज माई फ्रेंड, तो विल से किस में चेंज हो जाता, विल से हो जाता मेरा विल टेल मी, विल टेल मी दैट आएगा, फिर ही इज हिज फ्रेंड, ठीक है। हो गया बच्चा पार्टी, अब चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ। अगला जो रूल है बेटा वो बहुत प्यारी बात है, क्या, रवि सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा में ही इज माई फ्रेंड। बेटा अभी तक आप पढ़ के आ रहे हो कि सिर्फ सेड लिखा हुआ है, लेकिन जब आगे सेड टू लिखा हो ना पूरा, तो फिर सेड टू को अपन चेंज करते हैं किसमें, टोल्ड में। बाकी जो टेंस में चेंज होना है वो होगा, प्रोनाउन वाला सेम रहेगा, चेंज होगा, जो भी होना है वो होता रहेगा, बस सेड टू को मैं टोल्ड में चेंज होना नया बता रहा हूँ आपको। आप मी लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाके डेट, फिर ही थर्ड पर्सन का है तो सेम, फिर इस का वॉज हो जाएगा, माए का हिज हो जाएगा, फ्रेंड का रहने देंगे एज इट इज, ठीक है। तो ऐसे चेंज होता है भाई, सेड टू किस में होता है, टोल्ड में। आप चलते हैं बेटा अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल की तरफ, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करा जाता है इनडायरेक्ट में। मतलब आपकी जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसको आप कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। पॉइंट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, पढ़ लो पहले। रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड। मान के चलना बेटा आपको लिखा होगा रवि, रवि सेड टू मी हु आर यू, रवि ने मुझसे पूछा तुम कौन हो, रवि सेट टू मी, तो जो सेट टू होगा उसका बेटा फिर मैं वहाँ पर टोल्ड नहीं लिखूंगा, टोल्ड की जगह मैं क्या लिखूंगा, आस्क्ड लिखूंगा या इंक्वायर्ड लिखूंगा, रवि ने मुझसे पूछा, ठीक है, वो अच्छा इफेक्ट डालता है। बाकी द इंटरोगेटिव फॉर्म इज चेंज इनटू असर्टिव फॉर्म, कि इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय बेटा जो उसका इंटरोगेटिव फॉर्म होता है ना सेंटेंस का, उसको अपन किस में, असर्टिव में चेंज कर देते हैं, उसको क्वेश्चन नहीं रहने देते, उसको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और कोई क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल नहीं करते। तीसरा पॉइंट है, नो कंजंक्शन इज यूज्ड इफ द सेंटेंस बिगेंस विद द क्वेश्चन वर्ड। जैसे मैंने आपसे कहा था कि रवि सेड टू मी हु आर यू, अगर बेटा मेरा डायरेक्ट स्पीच हु क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रही है तो फिर कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब मी के बाद डेट या डेटेड नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट क्या है, इफ या वेदर, यहाँ पे ऑब्लिक लगा है, इफ ऑब्लिक वेदर इज यूज्ड एज अ क्वेश्चन वर्ड इफ द सेंटेंस बिगेंस विद अ वर्ब, कि मतलब भैया अगर जो तुम्हारा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है उसमें जो क्वेश्चन है वो एक वर्ब से शुरू हो रहा है, मान के चलो रवि ने मुझसे कहा, रवि सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन जो है वो मेरा वर्ब से शुरू हो रहा है, तो मैं फिर क्या करूँगा, यहाँ पर मी के बाद में इफ़ या वेदर में से कोई भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ, मतलब डेट की जगह हम इफ़ या वेदर ऐड करते हैं, आप सीधी बात समझो यहाँ पर, कब, जब क्वेश्चन वर्ड ना हो, ओनली वर्ब से शुरू हो रहा हो बात। जैसे देखें एग्जाम्पल दो तीन है यहाँ पर बढ़िया बढ़िया, My father said to me, what was troubling you? मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, तो मैं कैसे लिखूंगा, My father said to का वैसे तो told होता पर ही interrogative है, तो क्या करूँगा मैं asked करूँगा, फिर me लगाया। अब भैया question word से शुरू हो रही थी बात, तो that तो आएगा नहीं, या if weather की भी बात रह नहीं गई, तो सीधे वो word उतार दो what। अब आपको इसमें करना क्या होता है बेटा, interrogative को assertive में कैसे change करना होता है, कंडीशन देखो पहले, ज़्यादातर क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं, वर्ब को बाद में लिखते हैं, ठीक है, पर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो पाता, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे व्हाट हैड ट्रबल्ड मी, कि क्या चीज़ वॉज था पास्ट कंटिन्यूअस, तो उसको कर दिया अपन ने किस में, पास्ट परफेक्ट में, व्हाट हैड ट्रबल्ड मी। अब ये देखो असर्टिव सेंटेंस बन गया, कि मेरे पापा ने मुझसे पूछा था कि मुझे क्या परेशान कर रहा था, पहले कर रहा था, अब वो क्वेश्चन नहीं रहा ना, अब मतलब वो खत्म हो गई बात, ठीक है। जैसे दूसरा देखो यहाँ पे, इसमें आपको अच्छे से समझ आएगा,
शी सेड टू अमन आर यू कमिंग, उसने अमन से पूछा क्या तुम आ रहे हो, तो भाई शी सेड टू का क्या आस्ट हो जाएगा अमन। अब यहाँ पे किससे शुरू हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, तो अपन क्या लगा सकते हैं, इफ़ या वेदर में कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, चाहे दो, तो या मैंने यहाँ पे वेदर यूज़ कर दिया, इफ़ भी करोगे तो भी सही जाएगा, वेदर भी सही है, तो वेदर। अब इसको असर्टिव फॉर्म में करना है, तो कैसे करेंगे, जो इसमें सब्जेक्ट दिया गया है वो पहले आएगा और जो वर्ब है वो बाद में चली जाएगी, पर टेंस चेंज करने के बाद ही ऐसा होगा, प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगा। पहले तो जो ये प्रोनाउन है ये सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किससे चेंज होता है, अपने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, यहाँ पर अमन ऑब्जेक्ट है, तो भाई यू अमन, अमन एक तरीके से बेटा ही का पोजीशन निभा रहा है यहाँ पे, तो यू किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा। ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस में, कि ही वॉज कमिंग। तो क्वेश्चन बन गया मेरा पूरा सेंटेंस क्वेश्चन से खत्म होकर सादा बन गया, क्या ही सॉरी शी आस्क्ड अमन वेदर ही वॉज कमिंग, क्या वो आ रहा है। आपको हमेशा सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, कभी कभी ऐसा हो सकता है ये चीज़ ना सूटेबल हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने ऊपर करा था। ठीक है, अगला एग्जांपल एक और देख लो, शी सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी लोग पूछते हैं आपसे, कितने साल के हो, तो इसका क्या करेंगे, शी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे, लेकिन भाई क्वेश्चन वर्ड है तो इफ़ या वेदर तो आएगा नहीं, हाउ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ओल्ड आ जाएगा, लेकिन जो यू है वो भाई पहले आएगा, वर्ब बाद में जाएगी, तो यू क्या है बच्चा पार्टी, मेरा सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन किस से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। अब मी किसके नीचे आता है, आई के नीचे, तो भाई यू किसके बराबर आता है, आई के बराबर, तो अपन ने आई लिख दिया, आई क्या आर के जगह वॉज लिखा दिया। ठीक है बच्चा पार्टी, ऐसे चेंज होते हैं इंटरोगेटिव। अब चलते हैं अपने अगले सेंटेंसेस इंपेरेटिव की तरफ, लिटरली बेटा ये बहुत आसान होते हैं इंपेरेटिव वाले। इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, जिसमें अपन ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं, ठीक है, या इंस्ट्रक्ट करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो इनको चेंज करते समय इनडायरेक्ट में द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड टू ऑर्डर्ड एडवाइज्ड रिक्वेस्टेड और सम अदर सूटेबल वर्ड्स। जैसे आपने बेटा वहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब थी सेड टू थी उसको अपन ने आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करा, ऐसे ही वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में किस में चेंज होती है, एडवाइज्ड रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड या कोई और सूटेबल वर्ड में। ठीक है, सेड टू की जगह क्या लिखते हैं फिर, ऑर्डर्ड लिखते हैं अपन, या एडवाइस करा है तो एडवाइस लिखते हैं, वो सेंटेंस को देख के पता चलता है। बाकी द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच यानी जो डायरेक्ट स्पीच की वर्ब है इज चेंज टू इन्फिनेटिव, उसको बेटा अपन पता है वहाँ पे टेंस का चेंज नहीं होता है इस सेंटेंस में, असल में इन सेंटेंस में टेंस होता ही नहीं है, जो भी दिया गया है वर्ब उसको आप सिर्फ इन्फिनेटिव फॉर्म में लिख दो। इन्फिनेटिव फॉर्म का मतलब है पहले टू लिखो और फिर उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, ये होता है इन्फिनेटिव। ठीक है, आप इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पहला एग्जाम्पल देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू पियन रिंग द बेल इमीजिएटली, प्रिंसिपल ने चपरासी से कहा जल्दी से बेल इमीजिएटली बजा दो। ठीक है, अब बेटा प्रिंसिपल है, किस टोन में गई थी चपरासी से बैल बजाने को, भैया जी प्लीज़ बैल बजा दो, ए भैया बैल बजा देना, या भैया ऐसे कहेगी, पियोन बैल बजाओ, ऑर्डर करेगी ना प्रिंसिपल, रिक्वेस्ट तो नहीं करेगी या सलाह तो नहीं देगी, तो अपन ने क्या करा, टोन देख के ऑर्डर लिखा यहाँ पे, द प्रिंसिपल ऑर्डर, सेट टू की जगह ऑर्डर पियोन। अब उसमें भाई डैट फैट नहीं आता अगर वर्ब शुरुआत में हो, सीधे क्या करेंगे अपन, रिंग था, रिंग वर्ब थी, उसको इन्फिनिटिव में चेंज करा, कैसे, टू लगाया फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जो कि रिंग ही होता है, आगे का सेंटेंस ऐसे ही उतार दोगे, द बेल इमीडिएटली। दूसरा देखो, द डॉक्टर सेड टू मी स्टॉप ईटिंग फ्राइड एंड स्पाइसी फूड, डॉक्टर ने मुझसे कहा ये तला भुना खाना ना खाओ। अब बेटा डॉक्टर मुझे ऑर्डर तो देगा नहीं या मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा, डॉक्टर मुझे सलाह देगा, मानना ना मानना मेरा काम है, तो फिर सेट टू किस में चेंज होना चाहिए, एडवाइस्ड में, सलाह देने को एडवाइस कहते हैं, तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू स्टॉप ईटिंग फ्राइड एंड स्पाइसी फूड, स्टॉप था वर्ब थी यहाँ पर, मेन था क्या, स्टॉप था, देखो ईटिंग से पहले स्टॉप है तो मेन वो चीज़ है, अपन ने स्टॉप की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, फिर उसमें आप पहले टू लगा दिया, फिर ईटिंग फ्राइड एंड स्पाइसी फूड, फ्राइड ईटिंग को ऐसे ही रहने दो, उससे मतलब नहीं है, मेन वर्ब चेंज होनी चाहिए, ऐसे चेंज करते हैं बेटा अपन इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने एक और अगले टाइप के सेंटेंसेस जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मतलब जिनमें कोई भाव प्रकट किया जाता है, खुशी का, दुख का, रेगरेट का, सराहना का, जैसा भी भाव हो उसमें बेटा क्या होता है, इनमें एक्सप्रेशन ऑफ जॉय होता है, सौरो होता है, या रेगरेट है, या अप्लॉज है, या वंडर या सरप्राइज, इनमें से कोई अपना को भाव प्रकट हो रहा होगा। ठीक है, रेगरेट मतलब पछतावा, अप्लॉज मतलब सराहना, तारीफ करना, वंडर मतलब चौंकना, सरप्राइज होना, और बाकी सौरो मतलब दुखी से दिखाना, या जॉय मतलब खुश होना। ठीक है, इसमें जो सेट टू होता है बेटा वो किस में चेंज होता है, पहले आपको लिखना होता है एक्सक्लेम्ड विद, सेट टू की जगह लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद, फिर सेंटेंस की टोन को देखकर आप उसमें विद के बाद जॉय लिख सकते हो, या सौरो, या रेगरेट, या अप्लाउज, या वंडर सरप्राइज में से कोई भी एक लिख सकते हो। यहाँ पर सरप्राइज की स्पेलिंग गलत है, तुम लोग गलत मत लिखना। ठीक है, अब एग्जांपल देख लो, एक समझ आ जाएगा। आयुष सेड फैंटास्टिक वी हैव वॉन द मैच, आयुष ने कहा बहुत बढ़िया हम मैच जीत गए,
कि कौन सा भाव प्रकट कर रहा है आयुष। बेटा खुशी का भाव दिख रहा है तो अपन क्या लिखेंगे, आयुष सैड। देखो यहाँ पे बेटा चाहे सैड हो या सैड टू हो, ये चेंज तो होंगे एक्सक्लेम्ड में ही, इनमें बात वो नहीं रहेगी। वो सिर्फ सादा सेंटेंसेस की बात होती है कि सैड है तो फिर वो सैड ही रहेगा, सैड टू होने पर ही टोल्ड में चेंज होगा, वो वाली बात यहाँ पर अप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आयुष एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब बेटा जो ये सेंटेंस में दिखता है ना वर्ड, जिससे अपने को पता चलता है भाव क्या है, उस वर्ड को कभी भी नहीं लिखा जाता है, मतलब फैंटास्टिक नहीं लिखा जाएगा और एक एक्सक्लेमेटरी मार्क कभी नहीं लगाया जाता है, मतलब इसको भी असर्टिव सेंटेंस बना दिया जाता है। आयुष एक्सक्लेम्ड विद जॉय डेट, भाई डेट आएगा इन्वर्टेड कॉमा हटने पे, इसमें डेट आता है, इंपेरेटिव में नहीं आता है पर एक्सक्लेमेटरी में आता है डेट दे। देखो वी था बेटा, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आयुष के अकॉर्डिंग यानी ही के अकॉर्डिंग, ये ही है भैया, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा यानी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब वी बेटा प्लूरल था तो ही तो प्लूरल नहीं है, लेकिन थर्ड पर्सन में दे हम जानते हैं, दे क्या होता है, दे प्लूरल होता है, तो वी के जगह पर अपन क्या लिख देंगे, दे। आपको ये चीज़ समझती है कि भाई ही यहाँ पर चाके भी नहीं लगा सकते क्योंकि प्लूरल बात है, तो अपन थर्ड पर्सन की चीज़ लगा देंगे, दे लगा देंगे। और वैसे भी अगर कोई मैच जीतती है तो वो पूरी टीम जीतती है, अकेले आयुष तो जीता नहीं ना, तो डेट दे हैव वन का भाई प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड वन द मैच, द मैच लगा दिया। ठीक है बच्चा पार्टी, अब अपन चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो वही बात है जो मैं आपसे कह रहा था कि साइन ऑफ जो भी एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है उसको बंद हटा दिया जाता है, या जैसे वर्ड्स हैं हुर्रे, फैंटास्टिक, वेल्डन, इनको भी वहाँ पर नहीं लिखा जाता इनडायरेक्ट में चेंज करते समय। एक और सेंटेंस देखिए, शी सेड ओह आई लॉस्ट माई पेन, ओ भैया मैंने आज अपना पेन खो दिया। कौन सा एक्सप्रेशन है बेटा यहाँ पे, खुशी का नहीं है ना, दुख का है ना, तो क्या लिखेंगे, सैड का, सैड की जगह एक्सक्लेम्ड विद के बाद लिखेंगे सॉरो, फिर आएगा इनवर्टेड कॉमा हटाने के बाद डेट। अब वो तो हट जाएगा और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी हट जाएगा। आई कैसा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई किस में जाएगा, शी में जाएगा, ही। अब बेटा ये क्या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूलिया हूँ, क्या, आई हैव लॉस्ट माई पेन था वो, तो इसके अपन क्या कर देंगे, हैड लॉस्ट कर देंगे। माई फर्स्ट पर्सन है तो भाई इसी के अकॉर्डिंग जाएगा, शी में माई के बगल में क्या, शी में माई के लिए क्या लिखा है बेटा, हर लिखा हुआ है, तो आप लिख देंगे हर पेन। ठीक है बच्चा पार्टी, अगला एग्जांपल देखिए, अर्णवी सैड सॉरी फॉर बीइंग लेट, अर्णवी कहती सॉरी चाहती हूँ मैं लेट होने के लिए। अर्णवी यहाँ पे क्या शो करना चाह रही है, गम, खुशी, सरप्राइज या फिर पछतावा, पछतावा यानी रेग्रेट शो करना चाह रही है वो, तो हम करेंगे अर्णवी एक्सक्लेम्ड विद रेग्रेट, फिर आएगा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद डेट। अब जो सॉरी है बेटा वो क्या शो कर रहा है यहाँ पे, भाव, तो उस वर्ड को तो हटा दिया जाएगा, उसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, अब इस सेंटेंस में जरा दिमाग से लिखना, यहाँ पर बेटा अर्णवी कहना क्या चाहती है कि वो लेट हो गई है, ठीक है, उसके लिए वो सॉरी है, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, डेट शी वॉज लेट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस था, बींग लगा हुआ था तो इसलिए पास्ट कंटिन्यूस में हो गया, शी वॉज लेट। हम यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे डेट बींग लेट या डेट वॉज बी लेट, ऐसा नहीं करेंगे बेटा, आपको हसल में सबसे पहले सेंटेंस की हिंदी बनानी होती है फिर उसको कन्वर्ट करो। अर्णवी ने कहा कि वह लेट होने के लिए पछतावे है, तो अपन क्या करेंगे कि अर्णवी ने कहा कि वो पछतावे में है क्योंकि वो लेट है, तो शी वॉज लेट, इसलिए बेटा यहाँ पे शी वॉज लेट आएगा, वरना अपन हमेशा जो ऊपर होता है उसी से चेंज करते हैं, पर आपको सेंटेंस का मतलब भी कभी कभार देखना पड़ता है अगर उसमें कुछ दिक्कत वाली बात दी हो, यहाँ पे प्रोनाउन नहीं था उस हिसाब से, इंपेरेटिव भी सेंटेंस नहीं था, तो इसलिए बेटा अपन को कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है इसे। हमेशा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल है, पहले हिंदी खुद से बनाओ फिर उस हिंदी को इंग्लिश में बदलो, तब देखना अपने आप सही आएगा सेंटेंस। अब जैसे अगला देखो, माय अंकल सेड टू मी वेल डन यू हैव डन अ गुड जॉब, बहुत प्यारा सेंटेंस है ये, तो अंकल मुझे क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, सराह रहे हैं, तो अंकल एक्सक्लेम्ड विद अपलाउज, हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं, अपलाउज, ये इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डेट आएगा, वेल डन भी हट जाएगा, उसका कोई काम नहीं है, उसकी जगह अब भाई यू से शुरू करेंगे, यू सेकंड पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट से, मी। अब बेटा मी किसके नीचे आता है, आई के नीचे आता है ना, तो यू का क्या कर देंगे, आई कर देंगे, हैव डन या क्या हो जाएगा, हैड डन हो जाएगा, अ गुड जॉब, ऐसे चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चा पार्टी, हमेशा सेंटेंस का मतलब देख के चेंज करते हैं। अब अगला जो है बेटा वो है चेंजिंग इनटू ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तुमने अभी तक एक्सक्लेमेटरी देखा होगा, इंपेरेटिव देखा होगा, ऑप्टेटिव नहीं देखा होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम या तो किसी से प्रे करते हैं या किसी को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, या फिर किसी को बेड करते हैं। बेड और विश में बहुत कम फर्क होता है, मतलब समझो अगर आप स्कूल जा रहे हो तो वो है बेटा विश, आप फिर किसी टीचर से विश करते हो गुड मॉर्निंग मैम,
लेकिन आप स्कूल से आ रहे हो, फिर आप टीचर से क्या कहते हो, गुड आफ्टरनून सर, तो वो हो गया भेड। जाते समय विश करने को कहते हैं ओनली विश, और आते समय लौटते समय किसी से कुछ कहने को कहते हैं भेड। ठीक है बच्चा पार्टी, अब देखो यहाँ पे जो सेट टू है वो किस में चेंज होता है, परेड में, विश्ड में या फिर बेड में। बेड की देखो वैसे तो जो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है बिड, ठीक है, पर सेकंड फॉर्म होती है बेड, ऐसे विश की विश्ड और प्रे की परेड। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखो बहुत प्यारा, ही सैड गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग वरुण। अब इसको कैसे चेंज करें सर, आपको पहले क्या करना है, सैड है, सेट टू या सैड कुछ भी हो चेंज होगा ही होगा। ही असल में बेटा हम कैसे यहाँ पे सैड का विश्ड कर रहे हैं, आप एक बात सोचो, उसने कहा गुड मॉर्निंग वरुण, अब जो गुड मॉर्निंग वरुण कहा है तो वरुण से ही तो कही है ये बात, तो यार यहाँ पे आप खुद से सोच सकते हो कि ही सेट टू वरुण ही होगा, ही सेट टू वरुण ही होगा, यहाँ पे टू वरुण बस दिया नहीं है, तो आपने इसलिए क्या करा सेड का विश्ड कर दिया। अब दिया नहीं है तो वरुण लिखेंगे भी नहीं, विश्ड थोड़ी ऐसी ही बात है, इसके रूल बेटा थोड़े ऐसे ही होते हैं, आपको दिमाग लगा के बस देखना होता है, इन्वर्टेड कॉम हटेगा, डेटेड इसमें कुछ नहीं आता। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू वरुण, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू वरुण, आप उसको हिंदी में देखो ना, उसने गुड मॉर्निंग कहा वरुण से, बात सही है, इनडायरेक्ट में भी हो गया, या उसने वरुण को कहा गुड मॉर्निंग, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही विश्ड वरुण गुड मॉर्निंग या ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू वरुण, दोनों सेंटेंसेस यहाँ पे सही हैं। सबसे पहले बेटा आपको हिंदी समझनी है, जैसे तुम लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे सर कहाँ पे डेट हटाना है कहाँ पे लगाना है, तो सिंपल है, सिंपल सेंटेंस में तो सब में डेट आएगा, क्वेश्चन वालों में भाई क्या आ जाएगा इफ़ या वेदर आ जाएगा, बाकी इंपेरेटिव में आपका डेट नहीं आता है, एक्सक्लेमेटरी में डेट आता है, ठीक है, और बाकी जो अपना ऑप्टेटिव है उसमें भी डेट नहीं आएगा। ये बेटा आपने अगर कंडीशन देख ली ना तो आप समझ जाओगे, ऑप्टेटिव में कभी कभार आता है कभी कभार नहीं आता है, दो चार बार प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगे। आर अब देखो यहाँ क्या है, आरोही सेड टू हर डैड गुड नाइट, अब यहाँ पे लिखा है आरोही ने अपने डैड से कहा गुड नाइट, यानी बेटा वो जात गुड नाइट कब कहते हैं, जब अपन कहीं से जा रहे होते हैं, गुड नाइट सर गुड नाइट, तो अब वहाँ से जा रहे हो ना, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, आरोही सेड टू किस में चेंज होगा, बेड में, क्योंकि विश हो रही है जाते समय हो रही है, तो बेड हर डैड, हर डैड आप पहले भी लिख सकते थे हर डैड गुड नाइट, या आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, आरोही बेड गुड नाइट टू हर डैड, गुड नाइट टू हर डैड, सबसे सिंपल है, टू हर वाला लगाओ यहाँ पे सबसे बढ़िया। अगला देखो, ही सेड वुड डेट आई वर अ गर्ल, कि उसने कहा काश मैं एक लड़की होता, बेटा काश दिखाने के लिए अपन ऐसे ही करते हैं, वुड डेट आई, आई के संग हमेशा वर का यूज़ होता है जब हम काश वाली बात करते हैं, वैसे तो हर जगह बहुत आएगा पर जब आप कुछ इच्छा जता रहे हो ना तो उसमें वर आ जाता है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, वो विश कर रहा है बेटा काश मैं लड़की होता, तो अपन कैसे करेंगे, सेड का विश्ड हो जाएगा ही विश्ड, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, अब आपको बेटा यहाँ क्या दिख रहा है, प्रोनाउन दिख रहा है और सेंटेंस में जगह दिख रही है कि डेट आ सकता है, मतलब प्रोनाउन सेंटेंस में खुद ही डेट लिखा हुआ है, हमें जगह क्या दिख रही है, तो अपन ने वुड तो यहाँ पे जो इच्छा जता रहा था वो उसको शब्द को हटा दिया क्योंकि उसकी जगह विश्ड आया है, तो डेट लिख दिया, आई को किस में चेंज करा, सब्जेक्ट के संग होगा ही हो गया, वर आ बेटा है किस में, पास्ट कंटिन्यूस में ही है तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, यानी ही हैड बीन, वर का क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा अ गर्ल। ठीक है, ध्यान से देखो, टेंस का चेंज हुआ है, प्रोनाउन चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं है, डेट एज इट इज आया है, अपन ने अलग से नहीं लगाया है। ठीक है बच्चा पार्टी, अब यहाँ पे देखना एक, ये बहुत कठिन, मतलब कठिन नहीं थोड़ा दिमाग वाला है, क्या है, ही सेड टू मयंक मे यू सक्सीड इन लाइफ, उसने मयंक से कहा कि तुम लाइफ में तरक्की करो, ऐसा उसने कहा, बेटा ये सेंटेंस कैसा है, तुमको खुद दिख रहा है कि वो प्रे कर रहा है मयंक के लिए कि प्लीज़ भगवान जी मयंक को लाइफ में खूब सक्सेस देना, भगवान जी से प्रे कर रहा है वो, तो एक तरीके से ये सेंटेंस है ही प्रेड गॉड, ठीक है, ही प्रेड टू गॉड फॉर द सक्सेस ऑफ मयंक, अब इसको अपन कैसे चेंज कर सकते हैं, ही प्रेड फॉर मयंक डैट ही हैड सक्सीड इन लाइफ, क्या करेंगे, ही देखो उसने मयंक के लिए प्रार्थना की, या उसने अच्छा मयंक से कहा है, तो अपन यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, तो देखो बेटा मैंने उस सेंटेंस को नीचे लिख दिया है थोड़ा सही करके, ही सेड टू मयंक मे यू सक्सीड इन लाइफ, उसने मयंक से कहा कि तुम अपनी लाइफ में सक्सीड करो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, भाई प्रार्थना ही है तो अपन क्या लगाएंगे, प्रेड लगाएंगे, ही प्रेड, अब यहाँ पे भाई मयंक से कहा है तो बेटा इसमें थोड़ा दिमाग लगा के चेंज करना पड़ेगा अपने को, कैसे, ही प्रेड इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, डेट लिखेंगे यहाँ पर डेट लगाएंगे, क्योंकि जहाँ जरूरत है ऑप्टेटिव में यही कहती है, जहाँ जरूरत है वहाँ डेट, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं, डेट मयंक लिख दिया, मे को किस में चेंज करते हैं, माइट में करते हैं, मोडल में पढ़ा था, मयंक माइट, देखो यू की जगह बेटा यू की जगह मयंक आ गया एक तरीके से अपना, मयंक माइट हैड,
ये क्या था, सिंपल पास्ट था, इसको किस में कर दिया, पास्ट परफेक्ट में कर दिया। मयंक माइट हैड सक्सीड इन लाइफ, ही से प्रेड डेट मयंक माइट हैड सक्सीड इन लाइफ। आप अगर एक जगह से मयंक हटा रहे हो, यहाँ से आपने मयंक हटाया, तो यहाँ पे बेटा आपने यू की जगह मयंक लगा दिया कि नहीं लगा दिया। ये जो यू है ये मयंक के लिए ही आया है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, भाई प्रे करेगा, प्रे वो मयंक से तो करेगा नहीं, वो प्रार्थना तो भगवान से करेगा, इसलिए अपन यहाँ पे चाहकर भी मयंक नहीं लिख सकते थे। तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ा, प्रेड के बाद डेट लगाया, डेट के बाद बेटा इस यू की जगह मयंक लिख दिया, या आप समझो तो इसके मयंक को यहाँ लिख दिया, जैसे समझना चाहो। फिर मे की जगह माइट आ गया, और फिर सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। इतना हो गया बेटा। कभी कभी रूल्स के अकॉर्डिंग चलने पर भी बेटा काम ना निकले तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि प्रे है तो प्रे भगवान से की जाती है, इसलिए मयंक वहाँ नहीं आएगा, मयंक डेट के बाद आएगा, डेट यहाँ सूटेबल लग रहा है, डेट के बिना सेंस नहीं बनेगा, तो लगा सकते हो, टीचर गलत नहीं करेगा। सिर्फ ऑप्टेटिव में ही तो है दिक्कत, बाकी तो सब सिंपल है ना, और तो कुछ नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगे। अगला क्या है बेटा, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, उसने कहा मे गॉड ब्लेस यू, गॉड तुम्हें ब्लेस करे, बहुत आसान चीज़ है। अब भाई फिर से प्रार्थना करी है तो ही प्रेड, अब किससे करी है, गॉड से करी होगी, तो या तो आप यहाँ पे ही प्रेड टू गॉड भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे करो ही प्रेड डेट, डेट लगाओ, गॉड यहाँ पे थे उनको यहाँ ले आए, गॉड मे का माइट कर दिया, गॉड का मे का माइट कर दिया, फिर ब्लेस मी, यू को भाई ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दिया, क्या हो गया मी, ही प्रेड डेट गॉड माइट ब्लेस मी, उसने भगवान से प्रार्थना करी कि वो मुझे पर कृपा बनाए रखें। तो यहाँ पर गॉड अपने को यहाँ से मिल गया, तो ये ले आए बेटा सीधे सीधे मे का माइट, ब्लेस को ब्लेस ही रहने दिया, यू का हो गया अपना मी, ठीक है। तो आपको इनमें थोड़ा देखना पड़ेगा, बस मे गॉड ब्लेस यू वाले सेंटेंस में या मे यू सक्सीड इन लाइफ में आपको इसमें क्या करना है, सीधे ही प्रेड लिखना है, फिर डेट लिख देना है। ही प्रेड डेट लिखने के बाद बेटा आपको जो भी सेंटेंस में है वो उतार लो, या कभी कभार आगे वाला वर्ड इधर ले आओ, और बाकी तो फिर चीज़ें उसी के हिसाब से चेंज होंगी अपनी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा बेटा पूरा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे नोट्स आपको लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट लो, आराम से याद करो, पढ़ो, खूब बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो इसकी। तब तक के लिए बेटा टाटा, गुड बाय, सी यू। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, जो भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, सी यू, जय भोले की।